अगर मुझे ये पता होता कि अपने बाबूजी के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए मुझे लॉकअप में बंद होना पड़ेगा तो बहुत पहले बंद हो जाता। बाबूजी मगर बताइए, शब्द मगर के बगैर आपका और मेरा एक बाप और बेटे का रिश्ता लगता है अधूरा। जब जब मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है ये मगर बीच में आ जाता है। मैं अच्छा करता हूं और ये मगर एक ग्रहण बन के आ जाता है। जो भी अच्छा किया कराया है उसे ये ग्रहण बनकर थक देता है। और आज भी कुछ अलग थोड़ी बोला है, आपने मेरी तारीफ जरूर की मगर दो शब्द ही बोल पा रहे हैं इस मगर के बगैर। नहीं बताइए बाबूजी, आज आज क्या गलत किया मैंने? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। आज तरीका गलत, बिना एक बार भी किसी से पूछे तुम्हें अपने अपने मन के कुनाल से ही एक्सीडेंट हो गया और वो पैसे हाथ से नहीं उस आदमी के मुंह पर मुंह बंद करने के लिए मंगवाए होंगे। इतनी भरोसा तो होना चाहिए था ना तुम्हें अपने बेटे पर। पर जब जब तुम्हें लगा कि कुनाल से कुछ गलती हो गई है इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं तो तुम्हें पूरा इल्जाम किशोर, मगर बच्चों की गलतियों को छुपाकर उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें सजा देकर सही रास्ते पर लाया जाता है। बस बाबूजी बस, मेरे लिए काफी तारीफ कर लिया आपने, काफी कुछ कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके जैसा बड़ा ना बन पाया हूं, आपके साथ ही खुश हूं। अरे एक बार बेटे का तो ऐसे चलता रहे, जाने देना पहले एक बार चले जाने दे। बहुत हो गए, मेरे लिए ये मगर ही काफी है, इस मगर के साथ ही खुश हूं।